नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन शर्मा। इस समय हम मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम आज चने को लेकर विशेष तौर से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों में चने में अच्छा खासा जोर देखने को मिला है और देखा गया है कि चने की जो स्टॉक खरीद जबरदस्त हुई है। कुछ मंडियों में चना 6,000 रुपए बोला जाने लगा है और कारोबारी चने में 7,000 रुपए तक का स्तर देख रहे हैं। क्या चना 7,000 रुपए छुएगा या चने पर चुनाव बाद सरकारी चाबुक चलेगा? क्या कहते हैं कि बाजार के समीकरण जानने के लिए हम बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के व्यापारी से। टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ब्रजभूषण गुप्ता और मैं तालमेल ऑनर हूँ और साथ ही पूर्व अध्यक्ष केरलगंज व्यापारिक संचालन समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि बीते कुछ महीनों में चने की में जान लौटी है। 5,000 के नीचे कारोबार करने वाला चना 6,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है, 7,000 कब तक देखते हैं आप? देखिए, ये नंबर्स के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते 7,000 कब होगा, लेकिन ये जरूर है कि चना जो MSP है उससे ऊपर हुआ है। पहले MSP से नीचे मंडियों में बिक रहा था तो वह नाजायज भाव था, लेकिन MSP से जो ऊपर का भाव है अभी 6,000 ऑल पेड मंडी का भाव है, इसमें स्थिरता आनी चाहिए और यह जरूर लगता है मार्केट के डिमांड और स्टॉकिस जिस तरीके से इस पर सबकी नज़र है, इसको नीचे नहीं जाने देंगे। और मैं मानता हूं कि जल्दी ही इसमें 500 रुपये की तेजी मई तक आने की संभावना बन रही है। चने का चालू सीजन में देश भर में उत्पादन क्या मानते हैं? चालू सीजन में देश भर में उत्पादन करीब 121 लाख टन के मानता हूं और पूर्व में भी 122-123 लाख टन ही उत्पादन होता था, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम उत्पादन है, एक कहना चाहिए संतुष्टिपूर्ण उत्पादन है। बीते साल में चने की कोई खास मांग देखने को नहीं मिली, लेकिन चालू सीजन में अभी स्टॉकिस हावी है। क्या बाजार में चने का एक्चुअल खरीदार है, क्या वाकई में मांग है या फिर बढ़ाने की कोशिश है? नहीं, अभी जो माल की डिमांड है वो मिल ऑर्डर और स्टॉकिस दोनों की है। विशेष रूप से स्टॉकिस ज्यादा हावी है क्योंकि उनको लग रहा है कि चना ही एक ऐसी जिंस है जो इस बार शायद मोटा मुनाफा दे सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉकिस की धारणा कुछ हद तक सही जाए, लेकिन ये जो बहुत अधिक तेजी की बात सोचते हैं उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार भी इस ओर कोई कदम ना उठा ले और इसके स्टॉक सीमा वगैरह या अन्य इसके ट्रांसफर पर, एक राज्य से दूसरे राज्य के ट्रांसफर पर कोई रोक ना लग जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिन लोगों ने जीरे में पैसा बनाया वो चने में घुसाए, कहां तक सच है? देखिए, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, जीरे का व्यापार अलवर में होता नहीं है, यह मोस्टली कोटा झालावाड़ और उस साइड में होता है। मैं नहीं कह सकता कि जीरो में किल स्टॉक इसने पैसे बनाए और वो लोग चने में सक्रिय है या नहीं। विदेशों से पीली मटर के आयात पर जोर दे सकती है सरकार, इससे चने की कीमतों पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, कोई भी दलहन अगर सस्ता मिलता है तो निश्चित रूप से वह दूसरे दलहन को इफेक्ट करता है। अभी जो तेजी आ रही है वो मेन कारण यही है कि सारे दलहन चने से काफी तेज थे और चना ही एक ऐसा आइटम था जो सबसे सस्ती दाल होती थी। फिर सरकार ने भी 60 रुपए किलो में दिल्ली में दाल उनको उपभोक्ताओं को दुकानों से देने लगे थे, उसका भी एक असर था। अभी चुनावी साल है और जून तक नई सरकार बन जाएगी, ऐसे में स्टॉकिस को उम्मीद है कि कम से कम एक साल नई सरकार कुछ नहीं कहेगी तो सभी जिंसों में तेजी आ सकती है, क्या बाजार इसी नजरिए पर काम कर रहा है? नहीं, देखिए, जून तक सरकार बन जाएगी यह निश्चित है, लेकिन एक साल तक कुछ नहीं कहेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। सरकार जैसे ही बनती है वह सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। हाँ, ये जरूर है कि जून तक चने में कोई मंदा नहीं लगता है। चने की चालू सीजन में पैदावार में जो कमी बताई जा रही है, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। देखिए, सरकारी आंकड़े तो अपने जिस
कुछ मैनिपुलेशन के साथ भी तय बनाए जाते हैं, लेकिन जो व्यापारिक आंकड़े होते हैं वह सही आंकड़े होते हैं। 121 लाख टन की क्रॉप है, पिछले साल से 50,000 क्विंटल के करीब कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कम क्रॉप है, लेकिन इतनी डिमांड भी रहती है और चने का बफर स्टॉक पिछले के मुकाबले काफी कम हुआ है। चने का उत्पादन 121 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन वही काबुली चने का उत्पादन तो घटा है और काबुली चने का दाम नीचे भी आया है, तो क्या काबुली चना काले चने की कीमतों पर चोट नहीं करेगा? काबुली चना अलग आइटम है और यह इससे देसी चने से काफी महंगा होता है, करीब मेरा मानना है कि 35-40 रुपए क्विंटल के करीब ऊंचा होता है इसका दाम, 35-40 रुपए किलो, 400 रुपए क्विंटल के करीब ऊपर होता है। काबली चना हमारे देश में कम पैदा होता है और इम्पोर्ट ज्यादा होता है, अगर वहां से सस्ता इम्पोर्ट होगा तो निश्चित रूप से इसकी तेजी को एक ब्रेक लगेगा। तो काबुली चने के जो दाम नीचे आए हैं, इसकी मैं अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि शायद नीचे तो नहीं आए लेकिन रुके हुए भाव है, तेजी नहीं है। अभी विदेशी बाजारों पर क्या सिनेरियो देखते हैं, ओवरऑल आउटलुक क्या है? विदेशी बाजारों को देखिए, ये देसी चना तो हमारी लोकल क्रॉप है और इसका विदेशी बाजारों से कोई और जो दालें आती है अगर वो दालें सस्ती आके यहाँ पे पड़ेंगी तो फिर जरूर चने में तेजी को ब्रेक लगता है। अभी हम बात करते हैं कि आज मंडी के अंदर चने की कितनी आवक है और क्या भाव है? देखिए, यहाँ पर जो किसानी आमदनी है वो तो बहुत कम है, मुश्किल से कह सकते हैं हम 400-500 कट्टे की होगी, लेकिन बाहर की मंडियों से यहाँ पर मोटरें आ रही है, मतलब ट्रक्स में माल आ रहा है, 25-30 टन का एक ट्रक आता है, वह कुछ स्टॉकिस ले लेते हैं, कुछ मिल वाले ले लेते हैं, तो इस तरह यहाँ पर करीबन 5-6 ट्रक का व्यापार पर डे हो रहा है। किस तरह की क्वालिटी उसके अंदर देखी जा रही है? नॉर्मल क्वालिटी है, मतलब चने में कोई ऐसा रोग भी नहीं है, कोई क्वालिटी खराब भी नहीं है, दागी भी नहीं है, एकदम बढ़िया क्वालिटी है, हरा दाना भी नहीं है। तो आसपास कौन कौन से क्षेत्रों से मंडी में पहुंच रहा है चना? चना इधर में सवाई माधोपुर लाइन से और टॉप निवाई साइड से और कोटा का तो अब नहीं आ रहा, पहले आया था, और खानपुर, कोटा, झालावाड़ आसपास की सारी मंडियों से आता है और अलवर एक स्टॉकिस्ट मंडी है, तो यहाँ पर स्टॉकिस्ट और मिल वाले भी हैं 3-4 के करीब, तो सभी की डिमांड है। तो एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी का क्या कहना है? देखिए, चने की एमएसपी 5450 रुपए है, लूज मंडी का भाव होता है और अभी लूज मंडी का भाव करीबन 5700 रुपए, 5750 रुपए के करीब है, तो एमएसपी से 250 रुपए ऊपर है और यह एमएसपी से ऊपर ही रहने की संभावना है। अभी चने के अंदर उतार चढ़ाव है या भाव स्थिर है? अभी पिछले 3 दिन से भाव स्थिर है, ये 6000 और पेट के स्तर पर चल रहा है, 25-50 रुपए ऊपर नीचे, और पिछले करीबन अपन देखें 10 दिन में तो इसमें 300-400 रुपए की तेजी 10 दिन के अंदर आई है। तो क्या मानते हैं कि अब आगे भी चने में तेजी रहने के कोई आसार नजर आते हैं आपको? देखिए, सभी व्यापारी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन कितने दिन में आएगी यह कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मई आखिर तक इसमें 400-500 रुपए बढ़ने चाहिए। अभी चुनावी वो है, अब चुनाव होने के बाद में जो जिन्स है उनके ऊपर उनकी जो आवक भी बढ़ेगी तो साथ में भाव भी बढ़ने के आसार है? नहीं, जिन्स आप किन जिन्सों की बात कर रहे हैं? चने की अगर जिन्स की बात करें, देखिए चने की अराइवल जो बननी है वो छुटपुट छुटपुट आती रहेगी, इसका जो एक साथ जो प्रेशर है चने का वो अब इस समय चल रहा है और ये करीबन 1 महीने चलेगा, 1 महीने के बाद आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन आमदनी कम होने के बाद भी व्यापार चलता रहता है, व्यापारिक माल का बिकना, गोदाम से बिकना और खरीदना, ये सब पूरे साल चलता है। तो अभी यहाँ से कौन कौन से मिलों में जा रहा है? जो भी दाल मिल है अलवर के, अलवर एरिया में ही है, एमआईए में है, 2-3 के करीब तो एमआईए में दाल मिल है और एक दाल मिल यहाँ अलवर में है, तो इस तरह करीबन 4 दाल मिले हैं जो अपने अपने उत्पादन क्षमता के हिसाब से माल खरीद रहे हैं।
हमारे साथ में यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने बताया कि चने की जो आवक है लगातार मंडी में हो रही है, भाव भी है जो अच्छे मिल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार चने में तेजी भी देखी जा रही है, लेकिन अब आगे देखने का समय यह होगा कि अब आगे चने की किस तरह की आवक होने वाली है और आगे किस तरह के भाव रहने वाले हैं। नितिन शर्मा, अलवर।